पैसा हो बहुत और जवानी हो पले, बहुत मुश्किल है कि कोई सीधा चल ले। जवानी में जोश तो बहुत होता है लेकिन होश बहुत कम होता है। जोश होना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ होश होना भी बहुत जरूरी है। ये जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है, बिगड़ने और कुछ बन जाने का समय होता है। इस उम्र में अगर कोई गंदी आदतें लग जाएं, या तो ये आदतें आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आपको पूरा बर्बाद ना करते। कितना दुख होता है ये देखकर कि आजकल के जवान बच्चे अपनी गलत आदतों की वजह से खुद की अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस उम्र में हर गंदी चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती है मन को, लेकिन ये उम्र है कि ऐसे ही सही गलत का होश ही नहीं रहता। इसलिए आज बहुत सोच समझ कर हमारे युवा पीढ़ी के लिए ऐसी 5 बातों पर गौर किया गया है जो हमारे जवान बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आप चाहे कुछ भी करो लेकिन इन 5 बातों से बिल्कुल दूर रहना। नंबर 1, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। सबसे पहली बात, आप किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। नशा छोटा हो या बड़ा, यदि वो आपको आदत बन गई है तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। चाहे वो स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग, या फिर तंबाकू खाना हो या किसी और तरह का नशा। यदि जवानी की उम्र में आप किसी नशे में फंस गए हैं तो बहुत मुश्किल होता है उस गली से फिर बाहर आना। आदतें लगाना तो बहुत आसान है लेकिन आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल। आप ऐसी संगत में रहो ही मत जो लोग नाश करते हैं, आप उनसे दूर रहो। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो करियर ओरिएंटेड है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जो लोग नशे में डूबे रहते हैं, आपकी भलाई इसी में है कि आप खुद को उनसे दूर रखें। आजकल के युवाओं को ये कहकर भटकाया जाता है, अरे तुम नशा नहीं करते तो तुम मॉडर्न ही नहीं हो, तुम तो पुरानी सोच वाले हो। आजकल तो हर कोई नशा करता है, या फिर ये कहेंगे कि कभी कभी तो चलता है। कोई बात नहीं, तुम पी सकते हो, तुम नशा कर सकते हो। आजकल नशा करना भी हाईफाई होने की और मॉडर्न होने की बहुत बड़ी पहचान है। याद रखना ये बात, ये जरूरी नहीं कि जिस काम को सब लोग कर रहे हैं वो सही हो, और ये जरूरी भी नहीं कि जिस रास्ते पर आप अकेले चल रहे हो वो गलत हो। जिंदगी में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं, वही कुछ बड़ा करके दिखाते हैं जो अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं और उस रास्ते पर खुद अकेले ही चलते हैं। तो आजकल के युवाओं और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी तरह के नशे से अपने आप को बचाएं, क्योंकि शौक शौक में, मस्ती मस्ती में उसमें घुस जाते हैं लेकिन निकलना आपके बस से बाहर हो जाता है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज किसी भी तरह के नशे की आदत आप अपने आप को कभी भी लगने मत देना। चाहे वो ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, तंबाकू चबाना हो या फिर कोई और नशा हो, आप नशे से दूर रहें। दूसरी बात, आप अश्लील बातें सुनने में और देखने में खुद को दूर रखें। ये अश्लील चित्र और ये अश्लील बातें हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही हैं। लोग कहते हैं एक बात देख लेने से कुछ नहीं होता। क्या आपको पता है कि जो चीज़ आपने एक बार देखी वो चीज़ आपको सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, वहाँ से निकालना उसके बाद बहुत मुश्किल है। आप कोई भी चीज़ अपने माइंड में आसानी से डाल सकते हैं लेकिन निकालना उसे बहुत मुश्किल होता है। और आप जब ऐसी चीज़ें जब देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका माइंड बार बार उन चीज़ों को देखना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है, और फिर ये चीज़ आपकी आदत बन जाती है, और फिर ये आदत आपको पूरे तरीके से बर्बाद कर देती है। इसलिए ऐसी चीज़ें सुनने या देखने से आप दूर रहें जो आपके चरित्र को ही नष्ट कर दे, जो आपकी सारी शक्ति को ही नष्ट कर दे। नंबर 3, पढ़ाई लिखाई करें और रिलेशनशिप से दूर रहें। आजकल की अधिकतर युवा पीढ़ी पढ़ाई लिखाई की उम्र में करियर बनाने की उम्र में रिलेशन बना लेते हैं, लैला मजनू बन के घूमते हैं और कहते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें धोखा दे दिया, मैं उसके बिना जी नहीं पाया, मैं उसकी यादों को भुला नहीं पा रहा। अरे ये कोई उम्र है आपकी? ये उम्र है आपके करियर बनाने की, अपनी लाइफ बनाने की। जब आपकी उम्र रिश्तों की निभाने की हो जाए तो बना लेना रिश्ते जितने चाहो, तो दूसरे को कहाँ से संभालोगे? रिश्तों को संभालना कोई मजाक नहीं है। बचपना आपका अभी छूटा नहीं और लैला मजनू बन के बैठ जाते हैं। आपको पता भी है कि लैला मजनू को प्रेम की कितनी गहरी समझ थी। आप लोगों की तरह उनका प्रेम नहीं था, बस जो फिल्मों में देख लिया, किस्सों कहानियों में सुन लिया, वही आपके दिमाग में छप जाता है और फिर वही आप करने भी लग जाते हैं। फिर ना पढ़ाई में मन लगता है और ना ही किसी और चीज़ में मन लगता है। इसी भरी जवानी में लड़की लड़कियां देवदास बन के बैठ जाते हैं, जिस उम्र में उत्साह, खुशी और शांति भरपूर होती है, उस उम्र में सारी शक्ति गवा देते हो। अगर आपको किसी इंसान से पहले जुड़ना है तो पहले अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ। आप ही नहीं बने हो, आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, तो आप किसी और इंसान के लिए क्या करोगे? जोर से भरी जवानी की उम्र में जिसे देखो वो रो रहा है, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया, हद होती है पागलपन की। अरे कुछ बड़ा काम करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपके परिवार को आप पर नाज हो। तो पहले करियर बनाओ, जिंदगी बनाओ, और जब कुछ बन जाओ तो जिंदगी में रिश्ते भी बना लेना।
नंबर 4, किसी भी तरह के जुए से दूर रहो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो युवाओं के चक्कर में लाखों रुपए गवा देते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये जो लोग आपको रातों रात करोड़पति होने, अमीर होने के सपने दिखाते हैं ना, ये सिर्फ दिखावा है। ये सब सिर्फ साजिश है आपकी जिंदगी बर्बाद करने की, आपका पैसा लूटने की। कोई इंसान रातों रात करोड़पति या अमीर नहीं होता। इसे आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी इंसान धनवान होता है या उसके परिवार पहले से ही किसी ने मेहनत की है, या तो उस इंसान ने अपनी जिंदगी में खुद मेहनत की होगी। आपने अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से एक बार जरूर सुनी होगी, जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है वो कई लोग पाप की कमाई से आता है, रातों रात आता है, वो पैसा रातों रात खत्म भी हो जाता है। इसलिए मेहनत करो, कुछ अच्छा काम करो, अपने हुनर को निखारो। इस जुआ और बैटिंग के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को खराब मत करना। नंबर 5, जरूर ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को मेरे। अपना समय नष्ट ना करें। आजकल के जो हमारे जवान बच्चे हैं, ये हवा में उड़ते हैं, जमीन पिन के पैर ही नहीं दिखते। ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम। कहीं भी कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। मैं आप लोगों से ये बात खास करके कहूंगी, इस जवानी के जोश में आकर अपने आप में गंदी आदतें मत डालें। जिन लोगों का जल्दी सोने उठने का, खाने पीने का कोई टाइम नहीं, कोई नियम नहीं होता, ना उनकी कोई आयु जल्दी नष्ट हो जाती है, वो जल्दी रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी समय में बीमार होना बुढ़ापे का लक्षण माना जाता है। आजकल के जवान जवान बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर बैठे हैं। छोटी सी उम्र में डायबिटीज हो जाता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी का डाइजेशन वीक है। बुढ़ापे वाला बीमारियां बच्चों की उम्र में लेकर घूम रहे हैं। ये उम्र है आप लोगों की हेल्थ बनाने की। आप तो खुद अपने हेल्थ के दुश्मन बने हुए हैं। कई लोग फिर कहते हैं, हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी आदतें नहीं छूटती। याद रखना एक बात, माना आदत बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जो आदत नहीं बदलता वो इंसान नहीं होता। बनाना बिगड़ना सब कुछ आपके हाथ में है। कोई बहाना मत दो, अपना दोष किसी के सर पर मत डालो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर आपको मेरी बातें चुभ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, चुभनी भी चाहिए। जब चुभेंगी तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएंगे। आज पता नहीं क्यों हमारे युवाओं की यह हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस उम्र में हमारे पूर्वजों ने अपने बल के, अपने शौर्य के, अपनी कला के पूरे विश्व में झंडे गाड़े थे। आजकल के हमारे जवान बच्चे, उनकी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, ना कोई शक्ति है। याद रखना ये समय आपकी जिंदगी का बहुत स्पेशल टाइम है, आप जो चाहें वो बन सकते हैं। तो प्लीज अपने आप को इन गंदी आदतों से बाहर निकालें। कहते हैं जब हम दुनिया में आते हैं तब हम रोते हैं और दुनिया हंसती है, लेकिन जब हम दुनिया से जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि हम हंसते हंसते जाएं और ये दुनिया हमारे पीछे हमें याद करके रोती रहे। समझ आई कुछ मेरी बातें? तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स या फैमिली में कोई भी इस वीडियो को मेरे देख रहा है तो जमकर शेयर करेगा, आपके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, है ना? और ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियोस देखने के लिए अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। धन्यवाद।